बालमूत पाठमाला भाग एक की चर्चा अपेक्षित विस्तार से कर लेने के उपरांत आज हम यहाँ बालमूत पाठमाला भाग दो से चर्चा को प्रारंभ कर रहे हैं। पहला पाठ देव स्तुति, देव दर्शन की विधि हमने पहले बतलाई है, और वो जो देव दर्शन की विधि बतलाई थी उसमें आपको ध्यान होगा जिनेन्द्र देव की वेदी के तीन प्रदक्षिणा देने की बात कही थी, और ये कहा था कि कोई स्तुति बोलते हुए हमें तीन प्रदक्षिणा देना चाहिए। बहुत स्तुतियाँ हो सकती है, कोई भी स्तुति जो आपको याद है भगवान की उस स्तुति को आप बोलें और भगवान के प्रदक्षिणा दे दें वेदी के। लेफ्ट साइड से ही प्रदक्षिणा क्यों दी जाती है इसका कारण ध्यान है ना, पूज्य वामेतर हस्ते, जिनेन्द्र देव जो हमारे पूज्य हैं वे हमारे राइट हैंड साइड में रहने चाहिए, और जो मुख्य वेदी है वो लेफ्ट से प्रदक्षिणा देते समय हमेशा राइट साइड में होती है, इस कारण प्रदक्षिणा लेफ्ट से ही दी जाती है। देव स्तुति बहुत तरह की हो सकती है, जिनमें हमने कहा था प्रभु पतित पावन, ये स्तुति बहुत अच्छी है। एक अति पुण्य उदय मम आया, प्रभु तुम्हारा दर्शन पाया। एक स्तुति है सकल ज्ञेय ज्ञायक तदपि निजानंद रसलीन, बहुत सुंदर स्तुतियाँ हैं। उन्हीं स्तुतियों में एक स्तुति यह भी है वीतराग सर्वज्ञ हितंकर, बहुत सुंदर इस स्तुति में भाव भरे हुए हैं। छंद तो इस प्रकार के हैं जिन छंदों के ऊपर 10-20 प्रवचन किए जाएं। नहीं, सच में जिस तरह हमने मेरी भावना पर प्रवचन किए तो मैं समझता हूँ कितने 20-22 प्रवचन हुए हैं, 21 है? मेरी भावना पर 21 प्रवचन किए अपन ने, तो आधे मान लो इसमें। लेकिन इतनी चर्चा हम नहीं करेंगे क्योंकि नए नए विषयों को सीखना है, जिनागम में प्रयुक्त शास्त्रों में प्रयुक्त विविध बातों को हमें जानना है। बिल्कुल सामान्य अर्थ करते हुए, सरल शब्दों में इसका अर्थ करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। लेफ्ट साइड में एक संकल्प भी दिया है, ये संकल्प भी बहुत सुंदर है। ये दोनों ही बातें यदि बच्चों को याद हो तो बहुत अच्छी बात है, होनी ही चाहिए, और बड़े भी याद करें तो प्रसन्नता होगी, हमें तो बचपन से याद है ना। चलिए देव स्तुति के पहले एक बार संकल्प बोल लेते हैं हम, और फिर देव स्तुति की बात करेंगे। लेफ्ट साइड में जो संकल्प दिया हुआ है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे सत भयों से नहीं डरेंगे, रिपीट नहीं किया आप लोगों ने, है रिपीट करो उसको, है ना, जिससे वो थोड़ा बहुत उसका भाव ख्याल में आए। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे सत भयों से नहीं डरेंगे, सत तत्व का ज्ञान करेंगे जीव अजीव
स्मरण करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना चना जल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे, मोह भाव का नाश करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, राग द्वेष का त्याग करेंगे, और अधिक क्या बोलो बालक, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, ये संकल्प है हमारा। ये मनुष्य जन्म हमने प्राप्त किया है तो अकेला भक्त बने रहने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए। लेकिन ध्यान रखना, भगवान बनने के मार्ग पर जो चलते हैं वे पहले सच्चे भक्त बनते हैं। जब तक भक्त ही ना बने तब तक भगवान कैसे बन पाएंगे। इसलिए भगवान बनने के पहले जो विधि कही है, जो मार्ग कहा है, उस मार्ग में श्रेणी चढ़ना भी होता है, उस मार्ग में मुनि बनना भी होता है, उस मार्ग में श्रावक बनना भी होता है, सच्चे भक्त बनना भी होता है, और उस मार्ग में जहाँ से हम कदम बढ़ा रहे हैं यहीं से आगे चलना होता है। बहुत सुंदर बात कह दी है, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे। ये मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी है। उमा स्वामी आचार्य तत्वार सूत्र पहले ही छंद में कहते हैं, पहले ही सूत्र में, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये मोक्ष का मार्ग है। ये फर्स्ट स्टेप है, सम्यक दर्शन पहली सीढ़ी है। सम्यक दर्शन, रत्नत्रय, ये मोक्ष का मार्ग है, ये प्राप्त करेंगे और सात प्रकार के भयों से नहीं डरेंगे। क्यों डरें हम किसी भय से? भय सात प्रकार के हैं। मेरे ख्याल से 2-3 महीने पहले मैंने 7 भयों की चर्चा की है ना, इससे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। 7 प्रकार के भय, समय सार निर्जराधिकार में भी चर्चा की है 7 प्रकार के भयों की, बहुत सुंदर चर्चा है। तो डरेंगे नहीं, इस लोक का भी भय नहीं होगा, परलोक का भी भय नहीं होगा, मरण का भय नहीं होगा, आकस्मिक भय नहीं होगा, वेदना भय नहीं होगा, अगुप्ति भय नहीं होगा, आरक्षा भय नहीं होगा। 7 प्रकार के भय हैं, 7 प्रकार के डर। डरेंगे नहीं, डरना नहीं, डरना चाहिए या नहीं, डरना चाहिए या नहीं? पाप से डरो, लेकिन पाप ही नहीं करेंगे तो फिर डर किस बात का बताओ। जो लोग पाप करते हैं भय उन्हें लगता है, और जो पाप से मुक्त हैं, जो पाप से रहित हैं, जिनके जीवन में पाप नहीं है, जिनके परिणामों में पाप नहीं है, उन्हें डर किस बात का? तो किससे डरे हम? हमें किसी का डर नहीं है। ऐसा मौत का भी डर नहीं है, मौत से क्या डरना? पाप किए हो तो नरक आदि से डरे? हमने जीवन भर अच्छे काम किए तो परभव में जाने से क्यों डरेंगे? यदि ये जीवन पूरा भी हो गया तो यहाँ से अच्छी व्यवस्था मिलेगी आगे, डरने की कोई बात नहीं है। जीवन तो सभी का पूरा होना है, किसी का 5 साल बाद, किसी का 25 साल बाद, है ना, इससे ज़्यादा जल्दी की क्यों बात करें किसी के जीवन तो सबका पूरा होना है भाई, किसके पास में कितना टाइम है ये कुछ नहीं कहा जा सकता। हमारे पास में कितना टाइम शेष है हम नहीं कह सकते। बात तो ये, डर नहीं होना चाहिए, घबराहट का काम नहीं है। सप्त तत्व का ज्ञान करेंगे, 7 तत्वों को पहचानेंगे, कौन से है ये बात बताएंगे आगे। जीव अजीव पहचान करेंगे, जानते जीव अजीव की पहचान? साध्य बोलो, कबूतर जीव है या अजीव? बहुत बढ़िया, कबूतर का शरीर अजीव है और उस शरीर में रहने वाली आत्मा वो जीव है। ये जीव अजीव की पहचान करेंगे। स्व पर भेद विज्ञान करेंगे, जीव और अजीव को पहचान लिया तो मैं जो इस शरीर के अंदर है ना, वो तो है जीव, और जो शरीर दिखता है ये है अजीव,
ये जीव और अजीव की पहचान हो गई। जीव अजीव पहचान करेंगे फिर क्या कहा, स्वपर भेद विज्ञान करेंगे। अब जीव और अजीव को पहचान करके स्व कौन है और पर कौन है, अपने और पराये का भान होना चाहिए कि नहीं। सब जानते हैं, छोटे छोटे से बच्चे भी अपने पराये को जानते हैं, अपने पराये को पहचानते हैं, ये अपना है और ये पराया है। किंतु बड़े हो जाने के बावजूद भी, 8 के नहीं 60 वर्ष के हो जाने के बावजूद भी हम ये स्वपर भेद विज्ञान नहीं कर पाते। जिसे ये भेद विज्ञान होता है उसे निज के आनंद का रस पान होता है और पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे। पंच प्रभु कौन से? 5 परमेष्ठी, अरिहंत भगवान, सिद्ध भगवान, आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी, इनका ध्यान धरेंगे और गुरुजन का सम्मान करेंगे। जो हमारे गुरु हैं, जिनसे हमने सीखा है, जिनसे हम पढ़े हैं, उनका सम्मान हमारे हृदय में होना चाहिए, ठीक है। फिर क्या कहा, जनवाणी का श्रवण करेंगे। संकल्प है हमारा, ये संकल्प है, जनवाणी सुनेंगे और पढ़ेंगे भी, और इतना ही नहीं मनन भी करेंगे। अकेले सुनने से क्या होगा, पढ़ भी ली सुन भी लिया लेकिन गुना नहीं तो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए कह रहे हैं मनन करना जरूरी है। जो बातें सुनी हैं उन बातों का कुछ देर बैठकर विचार करो, थोड़ी देर विचार करो, यार एक बात कहिए यार, क्या है इसमें सच्चाई, ऐसा है क्या स्वरूप, तो बात जच नहीं रही है हमारे, ऐसा ही है क्या, ये तो ऐसा कह रहे हैं और मुझे तो ऐसा लगता है, ये तो कह रहे हैं कि इनमें सुख नहीं है और मुझे तो रसगुल्ले में सुख दिख रहा है। दिवेश जी कितने खाएं लग रहा है, और मजा आ गया, कैसा लगता है रसगुल्ला खाने पर? अरुण जी वैसे कितने खाने पर? 1 2 3 है? उसको देखा था मोटू को खाते हुए कि कितने खाने, 3 4 5 6 बहुत ही खिलाया उसको, 10 12 खिला दिए। विशाल मालूम है, मैं उस मूवी की बात कर रहा हूँ जो एक चीज मिलेगी वंडरफुल, उसमें ऐसा दिखाया है सुख कहाँ है, बहुत सुंदर चर्चा की है उसमें। तो ये कह रहे हैं यहाँ पर, भाई जिनवाणी का पठन भी करो, श्रवण भी करो और मनन भी करो। क्या बहुत मनन करने की जरूरत है गहराई से इन बातों के संबंध में। और इतना ही नहीं, कोई व्यक्ति ये कहे मैं पढ़ता भी हूँ, मैं सुनता भी हूँ और मैं चिंतन भी करता हूँ, लेकिन आगे कह रहे हैं अकेले चिंतन से ही काम नहीं चलेगा, जीवन में भी उतारो। पढ़ लिए सुन लिए, चिंतन मनन भी कर लिया, विचार भी कर लिया, लेकिन वो विचार करने के बाद में किया क्या ये तो बताओ। आपको पता है मुल्ला नसीरुद्दीन, वो रोजाना दातुन करता था और वहां से बैल निकलता था एक, और बैल के ऐसे सींग घूमे हुए थे। एक दिन क्या किया उसने, वो बैलों के बीच में अपनी मुंडी फंसा ली। बैल आते थे उधर से, ऐसे गोल राउंड दिखते थे, उनको लगता था कि मेरा चेहरा भी गोल है और ये बैल के सींग भी ऐसे घूमे हुए गोल है, तो क्या करें, लगता था इसके अंदर ऐसा सेट हो जाए अपना चेहरा तो कितना अच्छा रहे। फिर क्या हुआ होगा यश, आज क्या हुआ होगा, सींगों में अटक गए, उसने बैल ने उछाल करके फेंक दिया, हड्डी पसली टूट गई, चारों तरफ पट्टियां बंधी थी, अस्पताल में भर्ती थे। तो मिलने आए लोग, जब लोग मिलने के लिए आए तो पूछा, भाई क्या हो गया, कैसे हो गया कैसे ऐसी दुर्घटना घट गई, तो क्या कहते, झूठ तो बोलना नहीं था, सच्ची सच्ची बात बतला दी कि ऐसे ऐसे बैल था और मैंने उसके सूजी मेरे को, मैंने अपनी गर्दन अपना चेहरा उसके सींगों में जाकर फंसा दिया। तो लोग क्या कहेंगे बताओ, दीपेश जी क्या कहेंगे लोग, यही तो तुमने बिल्कुल भी नहीं सोचा क्या, तूने सोचा ही नहीं कि कम से कम ये काम करने के पहले थोड़ा सोचता तो सही। तो उसने क्या जवाब दिया, खूब सोचा था, 1 महीने से सोच रहा था मैं लगातार, जैसे वो बैल उधर से निकलता था वही मेरे घर के बाहर दातुन करने का टाइम, मंजन करने का, और वही टाइम बैल के निकलने का, और रोज वो निकलता था और रोज मुझे विचार आता था कि यार इसने अपनी गर्दन फंसा के देखूं तो कैसा होगा,
कैसा होगा, रोज सोचता था। और कल तो मैंने सोच ही लिया कि अब तो बहुत विचार कर लिया, क्या विचार करना है, लगा ही दो और गर्दन फंसा दी। तो ये कह रहे हैं ऐसा विचार मत करना। क्या बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं जो ये पहले रात को भोजन नहीं करते थे और रात को भोजन चालू कर दिया। मैंने कहा क्या हुआ कि बहुत विचार किया साहब, निपटा ही नहीं है। आपका विचार, आपका चिंतन जिनवाणी के अनुसार होना चाहिए, आपका चिंतन शास्त्रों के अनुसार होना चाहिए, आगम के अनुसार होना चाहिए। ये कह रहे हैं रात्रि भोजन नहीं करेंगे। इसमें एक पाठ दिया है आगे, शायद चौथा पाठ है, सदाचार वाला पाठ, और उस पाठ में रात्रि भोजन न करने की प्रेरणा दी है। इसलिए मैं अभी रात्रि भोजन के संबंध में यहाँ कुछ भी बात नहीं कर रहा हूँ आपसे। मुझे रात्रि भोजन के संदर्भ में बहुत मार्मिक बातें कहनी हैं, लेकिन मैंने पहले से ही बता दिया। मुझे मालूम है कई लोग इतने सावधान होंगे कि जब चौथा पाठ चलने वाला होगा उस दिन अपन सुनेंगे ही नहीं। नहीं भाई, एक बार सुनो तो सही। पालन करना और नहीं करना ये बात की बात है। पालन कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे, लेकिन हमारा ये संकल्प है एक बार हम उस विषय को गहराई से समझेंगे। हमारा जैन धर्म क्या कहता है, सोचो जरा, कहता क्या है जैन धर्म, बड़ी मुश्किल से पाया है मानव जन्म, सिद्ध सी सभी की आत्मा। और आगे है ना लाइन इसमें, रात्रि भोजन त्याग कर पानी पीना छान कर। खैर जो भी है, लेकिन रात्रि भोजन का त्याग कर, और यहां कह रहे हैं पानी पीना नहीं, बिना छना जल नहीं पिएंगे, काम में नहीं लेंगे। भाई साहब काम में नहीं लेंगे। देखो बिना छना पानी नहीं पीना चाहिए, इसके संदर्भ में तो गवर्नमेंट भी बहुत कहती है, न्यूज़पेपर में भी आपको मिल जाएगा, पानी बहुत गंदा आता है, छान करके काम में लेना चाहिए, कितनी गंदगी आती है, कितनी मिट्टी आती है। आप डायरेक्ट नल खोल करके यदि बाल्टी भरते हो जो पानी आता है बीसलपुर का, माने यदि उसको खोल के आपने बाल्टी भरी है तो वो बिना छना है, तो आपको थोड़ी देर बाद में नीचे मिट्टी दिखाई देगी, इतनी मिट्टी आती है पानी में। तो पानी छान करके पीना चाहिए ये तो सब कहते हैं, लेकिन उसमें स्वास्थ्य का दृष्टिकोण है, धर्म का दृष्टिकोण नहीं। यहां कह रहे हैं आपके हृदय में यदि जीवों के प्रति करुणा का भाव होगा, जीवों के प्रति दया का भाव होगा, उन पानी की एक बूंद में रहने वाले असंख्यात जीवों के प्रति करुणा यदि हृदय में होगी, उनकी विराधना से बचने का भाव होगा, तो बिना छना जल काम में नहीं ले सकते आप, बिना छने जल से नहा नहीं सकते, बिना छना जल बर्तन साफ करने के काम में नहीं आ सकता, बिना छना जल कपड़े धोने के काम में नहीं आ सकता। छान करके काम में लो ना, जैन है हम, जैनी की पहचान है ही। एक जमाना ऐसा भी था, हम तो बड़े बुजुर्गों से सुनते हैं कि हाथ में लोटा और पानी का छन्ना ये जैनी की पहचान हुआ करता था। किसी जमाने की बात है, पुराने जमाने की बात, आज के 50 साल पुरानी बात, 70 साल पुरानी बात, ऐसा कहते हैं पुराने लोग। ऐसा होता था, घर से बाहर निकलते थे तो अपना बर्तन, अपना लोटा और अपना छन्ना साथ में लेकर के जाते थे। बोलो, ट्रेन में सफर करते थे, बस में सफर करते थे, बराबर छान करके पानी प्रयोग में लेना, और हाथ में छन्ना देख करके दूसरे लोग पहचान लेते थे कि जैन साहब हैं, जैनी हैं। रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल काम न लेंगे, निज स्वभाव को प्राप्त करेंगे ऐसा संकल्प है, मोह भाव का नाश करेंगे और राग और द्वेष का भी त्याग करेंगे। और जब ये पूरे संकल्प हमारे जीवन में उतरेंगे तो फिर और अधिक क्या, इससे ज्यादा क्या बात कहें हम, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। तो भक्त नहीं, भक्त बनने के लिए मना कर रहे हैं यहां, भक्त नहीं बनना, भक्त नहीं बनना, क्या कह रहे हैं, भक्त नहीं बने रहना। समझ में आ रही है बात, भक्त बनने का निषेध नहीं है, भक्त तो बनना ही। अरे जिसके हृदय में भगवान के प्रति भगवान का भाव आता है वो व्यक्ति भगवान की सच्ची भक्ति करता है। सच्ची भक्ति किसकी हृदय में होगी,
और जिसके हृदय में भगवान की सच्ची भक्ति होती है, उस सच्ची भक्ति का मतलब ही ये है कि उन जैसा बनने की भावना होती है। भक्त नहीं भगवान बनेंगे, याद करना बेटा सब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं साहब अपन, देव स्तुति बहुत सुंदर भाव करें, इसको भी पूरा करने का भाव है। लेकिन मुझे मालूम है, कह तो रहा हूँ मैं, होना तो वही है जो क्रमबद्धानुसार, अपने विकल्पों से नहीं चलता है ना। वास्तव में अपन ने सोचा था शुद्धात्मा में मेरा नाम एक दिन में पूरा कर देंगे, फिर वो दो दिन लग गए उसमें। देखिए दो दो लाइन बोलते हैं अपन लोग सब मिलकर के, साथ ही बोलने में रिपीट नहीं करना पड़े, याद करना। वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भविजन की अब पूरो आस, ज्ञान भानु का उदय करो मम मिथ्यातम का होए विनाश। हितंकर हितंग हित कर करने वाले, हितंकर माने भला करने वाले, भगवान भला करने वाले हैं ये कह रहे हैं क्या। लेकिन जो भला आप चाहते हो वो भला नहीं करेंगे, आपको भला पता नहीं कहाँ कहाँ दिखता है, लेकिन बड़े जानते हैं ना, समझदार जैसे छोटे बच्चे हैं इनको भला दिखता है। खेलने नहीं देते हमारे को, छुट्टियां चल रही अभी भी नहीं खेलेंगे क्या है? कैसा लगता है अपने अपने को, अपने बच्चों को भलाई किसमें दिखती है? खेलने में। लेकिन बड़े लोग क्या समझाते हैं बच्चों को भलाई किसमें दिखती है? सोते पड़े रहो आराम से चद्दर ओढ़कर, कोई उठाए नहीं हमारे को, इसमें हमें भलाई दिखती है। और बड़े क्या कहते हैं, बेटा उठो थोड़ा सा, क्या एक्सरसाइज करो, घूमने जाओ, कोई बात नहीं, बाग में जाओ, सुबह गार्डन में जाओ, क्रिकेट ही खेलो, लेकिन सुबह जल्दी उठो, थोड़ा ध्यान रखो शरीर का भी। क्या समझाते हैं बोलो, उनको भला और कुछ दिख रहा है बच्चों को, और बड़े भलाई और किसी चीज में बता रहे हैं। अब बोलो मैं आपसे पूछता हूं, बच्चे जो गलती कर रहे हैं जिसमें भला समझ रहे हैं उसमें भला है या नहीं है? गलत फहमी है ना लोके जी, बराबर है ना ऐसा? बच्चे जो समझ रहे हैं वो गलत फहमी में है, इनको लग रहा है पढ़ना नहीं पड़े इसमें हमारी भलाई है,
और बड़े कहते हैं कि पढ़ लो, इसमें तुम्हारी भलाई है। अब यहां ये कह रहे हैं, ये जो हितंकर, जो हित करने वाले हैं भगवान हमारा, वक्त ये सोचता है दो चार गाड़ियां दरवाजे के बाहर खड़ी हो जाए, उसमें हमारी भलाई है। हे भगवान, इसमें हमारी भलाई है कि परिवार में सब सुख शांति रहे, इसमें हमारी भलाई है कि 25-50 करोड़ फटाफट। आजकल तो 25-50 करोड़ को कोई गिनती नहीं है, आजकल तो 100-200 करोड़ के बिना बात ही नहीं होती है। जहां देखो वहां बातें ही ऐसी लंबी लंबी होती है। आपको भलाई किसमें दिख रही है? अच्छी जॉब, अच्छा शरीर, अच्छी फैमिली, अच्छी संगति, इसमें आपको अच्छी भलाई दिख रही है। अच्छा मकान, अच्छा नौकर मिलना भी बहुत पुण्य का उदय है क्या? इन सब में हमारे को क्या दिखता है? भलाई दिखती है। तो भगवान कैसे हैं? वे कह रहे हैं, जिन बातों में तुमने अपनी भलाई समझ रखी है, जिन बातों में तुमने सुख समझ रखा है, इन सब में भलाई नहीं है, इन सब में सुख नहीं है। हम भला तो करना चाहते हैं, लेकिन सच्चे अर्थों में भला करना चाहते हैं। और कैसे भला करते हैं भगवान? हितोपदेशी। भगवान का तीसरा लक्षण क्या है? हितोपदेशी। भगवान किसे कहते हैं? भगवान का क्या स्वरूप है? भगवान का पहला लक्षण है भगवान वीतरागी होते हैं, दूसरा लक्षण भगवान सर्वज्ञ होते हैं, और तीसरा लक्षण भगवान हितोपदेशी होते हैं। कुछ भगवानों का नहीं होता उपदेश, तीर्थंकरों का तो सभी का उपदेश होता ही है, और भी जो सातिशय केवली होते हैं उनका भी उपदेश होता है। वीतराग, सर्वज्ञ और हितोपदेशी, तीन बातें याद रहेगी। फिर क्या कहा? भविजन की अब पूरो आस। आस माने होता है इच्छा। हे भगवान, आपके चरणों की शरण में आए हैं क्या? आपकी शरण में आए हैं और हम सब निश्चित रूप से भव्य जीव हैं। भवी जन, भव्य जीव। भव्य किसे कहते हैं? भव्य किसे कहते हैं सब? अबे भैया, भव्य किसे कहते हैं? विकास जी, जो जीव, ध्यान देना, परिभाषा याद रखना, छोटी छोटी परिभाषाएं याद नहीं रहेगी तो काम नहीं चलेगा। भव्य किसे कहते हैं? जो जीव कभी ना कभी नियम से मोक्ष की प्राप्ति करेंगे उन्हें भव्य कहते हैं। भव्य जीव है ये, बहुत भव्य जीव है। भव्य मतलब पात्र जीव है, भव्य मतलब अल्पकाल में मोक्ष की प्राप्ति करेगा। इसकी होनहार बहुत भली है, ये अच्छा इसका जीवन दिखाई दे रहा है। तो भव्यत्व पना ये इस बात को दिखाता है कि जल्दी ही मुक्ति की प्राप्ति करेंगे। ये लक्षण जिसमें दिखाई दे रहा हो वो है भव्य। भव्य मतलब होने योग्य, भव्य मतलब होने योग्य, भू धातु से बनाए। संस्कृत व्याकरण की दृष्टि से बात करो ना तो भव्य शब्द भू धातु से बनाए, जिसका अर्थ होता है होना, और भव्य होने योग्य। तो क्या होने योग्य? शास्त्रों में जब भी होने योग्य की बात की जाती है तो कहते हैं मोक्ष होने योग्य, मुक्त होने योग्य। सम्यक दर्शन प्राप्त जिसने कर लिया है उसकी भव्यत्वता प्रकट हो गई है। हम सब भव्य जीव हैं, पात्र जीव हैं हम सब, और हमारी इच्छाओं की पूर्ति करो। हे जिनेंद्र देव, आपके चरणों की शरण में आए हैं। सबसे पहले कह दिया, हम जानते हैं आप वीतरागी हो, हम जानते हैं आप कुछ नहीं करोगे क्या, लेकिन फिर भी हमारे मन में कुछ इच्छा है। आप तो वीतरागी हैं, हमारे मन में तो कुछ इच्छाएं हैं ना, हमारे मन में तो कुछ समन्वाएं हैं कि क्या इच्छा है तुम्हारे मन में ये बताओ। गाड़ी, बंगला, ये इच्छा है? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई इच्छा नहीं है। पहले मेरी बातें तो सुन लो, मेरी भावना तो सुनो कि मेरी भावना क्या है। तो कह रहे हैं ज्ञान भानु का उदय करो। भानु मतलब क्या होता है? भानु मतलब सूर्य। ध्यान रखना छोटे छोटे से शब्द, क्या बेटा काम आएंगे स्कूल में। ज्ञान तो समझ ही गए ना, जिससे जानते हैं। भानु मतलब सूर्य, ज्ञान रूपी सूर्य का उदय करो। उससे क्या होगा? मेरे मिथ्यात्व रूपी अंधकार का होए विनाश। ज्ञान सूर्य का उदय हो और मिथ्यात्व अंधकार का अभाव हो, ये मेरी भावना है। भविजन की अब पूरो आस, भव्य जीवों की इच्छा पूरी करो। और लास्ट लाइन में क्या कह दिया?
यह सब पूरो आस हमारी। इसका मतलब पहली लाइन से लेकर लास्ट लाइन के बीच में जो लाइनें कही है उन सब में अपनी इच्छाओं को व्यक्त किया है, अपनी भावनाओं को व्यक्त किया है। एक भव्य जीव की भावना कैसी होती है उसे सुंदर शब्दों में यहाँ बतला दिया गया है। भव्य जीव की भावना किस प्रकार की है? ज्ञान सूर्य का उदय हो, मिथ्यात्व रूपी अंधकार का अभाव हो। ये मिथ्यात्व क्या होता है कल करेंगे बात थोड़ी बहुत, पांच बाप की चर्चा करेंगे ना। जीवों की हम करुणा पालें, जीवों के प्रति करुणा, पानी नहीं ढोलें बिना मतलब घास नहीं उखाड़ें, बिना मतलब पेड़ के पत्ते नहीं तोड़ें, ठीक है ना। मक्खी मच्छर उनको, वो तो आजकल तो कैसी क्रूरता हो गई है, वो उसको मारने लगे हैं। बोलो जैनियों के घर में भी ऐसे काम होने लगे हैं, देख देख करके बड़ा आश्चर्य होता है। मच्छर दिखा और एक ऐसा रैकेट जैसा होता है, वो उससे मार देते हैं। पहले तो हम बहुत गर्व से ये बात कहते थे कि कोई जैनी किसी की हिंसा नहीं कर सकता, किसी जैनी के सामने चींटी या मच्छर ऐसे रखा जाए तो वो मार नहीं सकता जैनी। लेकिन कितनी क्रूरता हो गई है हमारे परिणामों में। भाई साहब हमारे जैसे ही जीव हैं वो भी, मक्खी मच्छर कीड़े मकोड़े भी। ध्यान रखना, आज हमारा जीवन पूरा हो जाने के बाद में कल कीड़े मकोड़े हो सकते हैं, कल मक्खी मच्छर हो सकते हैं। कब? कल। यदि जीवन आज पूरा हो जाए तो आज ही हो सकता है, अभी जीवन पूरा हो जाए तो अभी मर करके मच्छर बन सकता है क्या? फिर क्या होगा कि कोई भी हमें भी मार देगा, ऐसे ही तड़पड़ाएंगे तड़पेंगे, कैसी वेदना होती है। करुणा का भाव होना चाहिए, दया होनी चाहिए। किन के प्रति? कीड़े मकोड़ों के प्रति। अरे बड़े बड़े जीवों के प्रति करुणा नहीं होती क्या? दया का भाव नहीं आता क्या? वो योगी कर रहा है अच्छा काम सैनी पंचेंद्री जीवों के प्रति करुणा का भाव नहीं आता हमारे को। और यदि आप कहें कि करुणा का भाव है, देखो अभी सैनी पंचेंद्री जीवों में कौन कौन आते हैं? कुत्ते को डंडे से मारते हैं, बंदर को लकड़ी से मारते हैं, हमारा बस चले तो पिटाई करें उसकी खूब। उनकी तो छोड़ो, सैनी पंचेंद्री जीवों में अकेले जानवर ही थोड़ी ना आते हैं, मनुष्य भी तो सैनी पंचेंद्री हैं क्या? क्या हमारे को मनुष्यों के प्रति करुणा का भाव है, दूसरे मनुष्यों के प्रति? हम जैसे ही तो मनुष्य हैं ना, हमारी पत्नी, हमारे पति, हमारे बच्चे हैं, बेटे बहुएं, ये सब ये हमारे ही तो परिवार के हिस्से हैं ना। सैनी पंचेंद्री मनुष्य गति के जीव है ना, करुणा का भाव आता है कि नहीं उनके प्रति? कैसी करुणा, बीमार पड़े हैं दवाई देने का भाव आता है कि नहीं? उनकी सेवा करने का भाव आता है कि नहीं? बुजुर्ग माता पिता परिवार में हैं, बिस्तरों पर हैं, या क्रूरता का भाव आता है? ले लो अपने आप, ठीक है कोई बात नहीं, ऐसे करते रहेंगे पड़े रहते हैं। भाई साहब ये करुणा की बात कर रहे हैं, पहले करुणा की शुरुआत होती है अपने परिवार से। और इससे भी पहले यदि मैं मार्मिक बात कहूं जैन दर्शन की, तो दया करो पहले अपने पर, ऐसी पंक्तियां हैं। अपने आप के प्रति करुणा, मैंने तो ऐसा जब मेरी भावना पर प्रवचन हुए थे, 4-5 साल पुरानी बात है, तो उस समय मैंने ये बात कही थी, हमारे हृदय में ऐसा करुणा का भाव तो आता है कि गायें नहीं कटे, हमारे हृदय में ऐसा करुणा का भाव तो आता है। और देखो देखो त्रियंज गति के जीव बेचारों का क्या हाल है, रोड पर देखो आप, हाईवे पर कुत्ते मरे हुए, बिल्ली, ऐसे ऐसे जो जीव हैं, कैसे लाशें दिखती हैं उनकी, करुणा का भाव आता है, दिल दहल जाता है हमारा। कभी कसाई मोहल्ले से निकलो आप तो ऐसा लगता है देख नहीं सकते, 2-3 मिनट की वो वीडियो क्लिप यदि इस तरह की आ जाती है जहाँ खून बहता रहता है तो हम देखा नहीं जाता हमारे से। हम ये कह रहे हैं औरों के प्रति तो तुम्हारे हृदय में करुणा से तुम्हारा हृदय भीगता हुआ दिखाई देता है, ये तो सोचता है कि इन जीवों की विराधना नहीं हो, लेकिन कभी ये भी सोचता है कि मैं मर करके वो त्रियंच ना बन जाऊं, ये करुणा है अपने आप के ऊपर। मेरी भविष्य में यह हालत नहीं हो कि मुझे मर करके ऐसा पशु बनना पड़े, मर करके मुझे हाथी बनना पड़े, मर करके मुझे घोड़ा बनना पड़े, बैल बनना पड़े, मेरे ऊपर वजन लादा जाए, ये करुणा अपने आप के ऊपर करने की जरूरत है। अपने स्वरूप को जानो पहचानो और जनागम के बताए हुए इस मार्ग को अपने जीवन में अपनाओ, ये सच्ची करुणा होगी अपने अपने आप के ऊपर। और जिनकी करुणा अपने आप के ऊपर होती है उनका जीवन ऐसा होता है कि उनके माध्यम से जगत के जीवों को तकलीफ नहीं होती।
पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है, वेदना नहीं होती। तो क्या करना है? यहां करुणा, जीवों की हम करुणा पालें। क्या करुणा पालने में? अहिंसा का पालन है। अहिंसा, हिंसा का निषेध है। झूठ वचन नहीं कहें कदा, झूठ नहीं बोलें कभी भी, सावधानी रखें। झूठ बोलने से क्या मिलेगा, क्या प्रयोजन की सिद्धि होगी? जो सच्ची बात है उसे स्पष्ट शब्दों में कह दो, जो जैसा है। गांधी जी ने कह दी थी अपने पिताजी से जाकर के, सच्ची बात कहती थी बिल्कुल, ऐसा भाव हो गया। फिर उसके बाद में क्या हुआ? बोले नहीं हूं, लेकिन फिर क्या हुआ? भाई साहब सच्ची बात है, जो सच्चाई सच्चाई है, आप स्पष्ट शब्दों में कह दो ना, कोई गलती हो गई है तो कह देने में क्या बुराई है उसमें? छिपाने से वो गलती मिट नहीं सकती है, और झूठ बोलना किसी भी बात का समाधान नहीं है। अब कितना भी चतुर व्यक्ति क्यों नहीं हो, झूठ बोलने में उसके प्रकट होने की संभावना बराबर बनी रहती है। और एक बार यदि आपने झूठ बोला है तो आप उसको बनाए रखना चाहेंगे, फिर उसके लिए मायाचारी करेंगे, फिर छल होगा, फिर षड्यंत्र चलता रहेगा, फिर दिलो दिमाग में न मालूम क्या बातें चलती रहेगी। पांच पाप वाले पाठ में करूंगा कल बात, हो सकता है परसों हो, है ना? इसलिए क्योंकि आधा ही चलेगा, तो आधा कल चलाना पड़ेगा ना। क्या जीवों की हम करुणा पालें, झूठ वचन नहीं कहें कदा। कदा मतलब क्या होता है? कभी। कदा मतलब कभी, कभी भी झूठ नहीं बोले। पर धन कब हूं हर हूं, चोरी नहीं करूं, हिंसा नहीं करने का संकल्प लिया। भावना भाई भगवान के सामने खड़े होकर के बोली जाने वाली स्तुति है, हे भगवान मेरे हृदय में इतनी दृढ़ता हो कि कभी किसी जीव को मेरी वजह से तकलीफ नहीं हो। हे भगवान अंदर में इतनी दृढ़ता हो कि कैसी भी परिस्थिति बन जाए झूठ बोलने का प्रसंग न बने और मैं झूठ ना बोलूं। हे भगवान कभी चोरी करने का प्रसंग न बने, पर धन कब हूं ना हर हूं, कब मौका मिलने पर भी। पिताजी बैठे हमेशा एक बात कहते हैं, ताले तो चोरों के लिए होते हैं, चोरों के लिए नहीं शरीफों के लिए होते हैं, चोरों के लिए थोड़ी ना होते हैं। आपने यदि ताला लगाया है तो वो ताला किसके लिए? शरीफों के लिए। चोर तो ताले तोड़ के चोरी करते हैं, लेकिन खुला ताला देखकर, खुली तिजोरी देखकर शरीफों के परिणाम ना बिगड़ जाएं। समझ में आ रही है ना बात? चोर आएगा तो ये सोच करके वापस चला जाएगा कि यार तिजोरी के ताला लगाए, अब क्या करें, चलो रहने दो यार। वो क्या करेगा? ताला तोड़ेगा और तोड़ करके चोरी कर लेगा। तो जितने भी चोर होते हैं वे तो ताला तोड़ करके चोरी करते हैं, और ताला खुला होने पर जिनकी नीयत बिगड़ जाए वे शरीफ लोग होते हैं। हम ये कह रहे हैं हम ऐसे शरीफ हों, ऐसे सज्जन हों, ऐसा हमारा जीवन हो कि परिस्थितियां बनने पर भी चोरी का भाव नहीं आए। क्या? पर धन कब हूं ना हर हूं, हर हूं मतलब हरण कर लेना, चोरी कर लेना। ब्रह्मचर्य व्रत रखें सदा, सदा ही ब्रह्मचर्य का हम पालन करें, बहुत उत्कृष्ट चीज है। और तृष्णा लोभ बढ़े न हमारा, अपरिग्रह की भावना, परिग्रह परिमाण की भावना, पांच प्रकार के पाप की बात आ गई यहां, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह। पाप के नाम तो याद होंगे ही ना, नहीं हो तो परसों कराऊंगा। तृष्णा नहीं बढ़े, लोभ लालच नहीं बढ़े, और तोष माने होता है संतोष, तोष सुधा ये है अमृत, नित्य पिए सदा। सुधा माने क्या होता है बेटा? अमृत। सुधा माने अमृत, और तोष माने आर्यम, तोष माने हेलो आर्यम, तोष माने संतोष, संतुष्टि, संतोष रूपी अमृत सदा पिए। यह अमृत है सच में, जहां तृष्णाएं हैं जहां इच्छाएं हैं वहां आकुलता है, जहां आकुलता है और इच्छाएं हैं वहां तकलीफ है, वहां पीड़ा है, वहां वेदना है, वहां दुख है। और यहां क्या कह रहे हैं? यदि आपके हृदय में संतोष है तो आप सुखी हैं। दुनिया का कोई व्यक्ति संतोषी व्यक्ति को दुखी नहीं कर सकता। कह रहे सुख पावे संतोषी प्राणी,
कहाँ की पंक्ति है? सुख पावे संतोषी प्राणी। ध्यानत राय जी की 10 लक्षण धर्म पूजन उत्तम शौच धर्म का अर्घ है। ध्यानत राय जी की पूजन 10 लक्षण धर्म का अर्घ उत्तम शौच धर्म के अर्घ में क्या लाइन कही है? सुख पावे संतोषी प्राणी। संतोषी व्यक्ति हमेशा सुखी होता है, और जहां संतोष नहीं है वहां क्या होगा? दाम बिना निर्धन दुखी, तृष्णावश धनवान, कहीं न सुख सब जग देखो चान। सुख नहीं है, शांति नहीं है। एक व्यक्ति 20-22 साल की उम्र में पढ़ा था और पढ़ा ही रहता था, गांव में पेड़ के नीचे खाट लगा करके सोता रहता था, खाता पीता था और मजे से सोता था। एक दिन बहुत नाराज होकर के किसी व्यक्ति ने जो रोज देखता था, उसने कहा कि यार तू जवान है, काम नाम करने की उम्र है, कुछ करता धरता क्यों नहीं है? ऐसे क्या पढ़ा रहता है बिस्तरों में खाट लगा करके, ऐसे पढ़ा रहता है ठंडी हवा में, काम क्यों नहीं करता? ये क्या करूं मैं? ये कुछ काम नाम कर, पैसा कमा, तेरी अभी तो कमाने की उम्र है। क्या अच्छा, फिर क्या होगा? पैसा इकट्ठा हो जाएगा अच्छा, जब अच्छा पैसा इकट्ठा हो जाए तो बोले फिर क्या होगा? कि अच्छा मकान बना लेना, अच्छा बंगला बन जाएगा। कि फिर क्या होगा? कि शादी हो जाएगी। कि फिर उसके बाद क्या करना है? तो बच्चे अच्छे हो जाएंगे, परिवार के साथ में रहना। कि फिर अरे सुख शांति से रहना, मौज मस्ती करना, और क्या? कि मैं अभी क्या कर रहा हूं? मैं जो अभी मजे से पड़ा हूं, क्या इसी मजे से रहने का रास्ता तुम इतना लंबा घूम करके बता रहे हो? क्या ये कह रहे हैं? भाई साहब, जिसको संतोष है, जिसके हृदय में संतुष्टि है, उस व्यक्ति को दुनिया में कोई व्यक्ति दुखी नहीं कर सकता है। सुख पावे संतोषी प्राणी, ये क्या कह रहे हैं यहां? तोष ये अमृत है। जहां असंतुष्टि है, मेरे पास तो ये है ही नहीं, मेरे पास तो ये है ही नहीं, ये गेम तो मेरे पास में नहीं है, वो गेम तो मेरे पास में नहीं है, मेरे को ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए। अरे बच्चों की इच्छाएं अलग होती है, बड़ों की अलग होती है। क्या मुझे मालूम है आप लोगों को ये बेच चाहिए, वो साड़ी चाहिए, ये चाहिए, ये गाड़ी चाहिए। अभी गाड़ियां मिल रही थी क्या? सारी पुरानी गाड़ियां, 2 दिन कैसे चल रहा था? माहौल देखने लायक था सड़कों पर, है कितना जाम था वो लोग। तो अपने सबकी इच्छाएं एक के बाद एक, 8-10 साल की उम्र होती है तो साइकिल की इच्छा होती है, फिर 12-15 साल का होता है तो स्कूटी की इच्छा होने लग जाती है, फिर बाइक चाहिए, फिर गाड़ी चाहिए, फिर ये चाहिए, फिर आगे आगे इच्छाओं का अंत नहीं है। कौन सुखी है? जिसको वो मिल जाए वो सुखी है, या जिसको उसकी जरूरत नहीं है वो सुखी है? क्या जिसको संतोष है, जिसे उसकी जरूरत नहीं है? हमारे भगवान क्यों सुखी है बोलो? हमारे मुनिराज क्यों सुखी है ये बताओ? क्योंकि मुनिराज को उसकी जरूरत नहीं है। हमारे साधु संतों को इन चीजों की जरूरत नहीं है, इसलिए वो सुखी हैं। जिसे जरूरत है, माने इच्छा जहां है, तृष्णा जहां है, वहां दुख उत्पन्न हुए बिना नहीं रहेगा, दुख खड़ा हुए बिना नहीं रहेगा। ये कह रहे हैं तोष माने संतोष रूपी अमृत का मैं सदा ही पान किया करूं। इस अमृत को पियो हृदय में। और जो जैन धर्म हमारा है उसको बहुत प्यारा है सच में। बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म, बड़े भाग्य से हमको मिला जिन धर्म। बहुत भाग्यशाली है सच में। जैन कुल में जन्म लेना आसान काम नहीं है। अनंत 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 शब्द कह रहा हूं, ध्यान देना। अनंत वाले जीव दूसरे हीन जाति कुलों में पैदा हुए तब जाकर के एक बार चांस मिलता है जैन कुल में पैदा होने का, जैन धर्म अपनाने का, जैन धर्म स्वीकार करने का, जैन सिद्धांतों पर चलने का। यह अवसर, यह मौका हमारे को मिल गया है। तिसकी सेवा किया करें, उसकी सेवा किया करें, माने उनको हम अपने जीवन में उतारें। और जैन धर्म को जब आप अपने जीवन में उतारेंगे और उसकी सेवा करेंगे तो बुरी रीतियों को दूर भगावेंगे और सुखद रीति का प्रचार करेंगे। ये बहुत मार्मिक लाइन है। ये जो कहा है ना बुरी रीतियां, क्या यश, ये जो बुरी रीतियों की बात कही है और सुखद रीति की बात कही है, ये रीतियां किस प्रकार की है? दो प्रकार की रीतियां हैं, कल करूंगा चर्चा।
एक सामाजिक और एक धार्मिक, बुरी रीतियां कुरीतियों की चर्चा करूंगा जो हमारे जीवन में नहीं होनी चाहिए। इन पंक्तियों को याद करने का प्रयास करना, 24 घंटे का समय है, 6 लाइनें याद करना कठिन काम नहीं है। आप लोग याद करके आएंगे तो मेरे को बहुत प्रसन्नता होगी, और मुझे प्रसन्नता हो या नहीं हो, आपको यदि याद होगी तो जीवन भर प्रसन्न रहेंगे। महावीर भगवान ने की